तो आप आरएस का एडमिट कार्ड एसोसाइट से कैसे निकाल सकते हो, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको करना का सबसे पहले न्यू ब्राउजर ओपन कर लेना, वहाँ पर आपको इस तरीके से आपके यहाँ पर एसोसाइट डाल देनी, उसके बाद में आपके पासवर्ड आपको डाल देना। जो आप यहाँ पर एसोसाइट डालोगे आपको वही एसोसाइट आपको डालनी जिससे आपने यहाँ पर आरएस का फॉर्म ऑनलाइन करवाया था। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है, कैप्चा आपको यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद में आपको देखने को मिला लॉगिन, लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना। लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का पेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा आपको भी इस तरह का यहाँ पर आपको पेज आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर इस तरह का पेज आपको देखने को मिले तो उसके बाद में आपको करना का मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरह का ये पेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिक्वायरमेंट पोर्टल, आपको सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। अगर ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो नहीं हो तो आपको करना का यहाँ पर अदर एप्स, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्विक सर्च में आपको टाइप कर देना REC, जैसे आप REC टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिक्वायरमेंट पोर्टल, आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का यहाँ पर आपको पेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद में आपको भी इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप क्लिक करोगे तो आपको भी इस तरह का यहाँ पर आपको पेज आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस तरह का यहाँ पर आपको डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ माय एप्लीकेशन में आपने जितने फॉर्म भर रखे आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका आरएस का फॉर्म है यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करोगे, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको ऊपर ही पर आपको देखने को मिल जाता है गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर आपको नीचे आपको आपका यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो भी आपने भर रखे यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको करना का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन, आपको सिंपली यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का यहाँ पर आपको डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिल्ली पटवारी का एडमिट कार्ड भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर आपने फॉर्म पर रखा तो यहाँ पर आपको गेट एडमिट कार्ड इस पर क्लिक करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए आरएस का एडमिट कार्ड निकालने के लिए यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन, आपको यहाँ पर दिल्ली राजस्थान स्टेट एंड सब यहाँ पर सर्विस कंबाइंड कंपलसरी एग्जाम 2021 इस तरीके से आपको पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको करना का यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना। गेट एडमिट कार्ड इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके सामने निकल के इस तरीके से आ जाएगा, देख लीजिए पूरा का पूरा यहाँ पर एडमिट कार्ड निकल चुका है। यहाँ पर दिल्ली आपके सामने यहाँ पर ये एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो। आप चाहो तो इसको यहाँ पर इस तरीके से सेव एज PDF करके आप इसको सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आरएस का एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, सारा का सारा मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को। धन्यवाद।